दीपिका पादुकोण जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की वन ऑफ द टैलेंटेड एंड हॉट एक्ट्रेस में से एक है, जो कि आज के समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे महंगी हीरोइन बन चुकी हैं, और बने भी क्यों ना दोस्तों, क्योंकि यार पद्मावत और बाजीराव मस्तानी जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी देने के बाद तो हर कोई उनका दीवाना ही हो गया है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दीपिका पादुकोण की आने वाली हैं 10 बड़ी फिल्में, और ये फिल्में कौन सी होगी उन सबको जानने के लिए तो आपको हर बार की तरह एक छोटा सा काम करना होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, तो यार कर दो प्रेस। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दीपिका पादुकोण की जो पहली फिल्म है वो है गहराइयां, जो कि एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है सकुन बत्रा ने, जिस फिल्म के अंदर लीड रोल में तो आपको दीपिका पादुकोण नजर आएंगी, साथ में अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी और साथ में धैर्य करब भी आपको दिखाई दे जाएंगे दोस्तों। और जिस फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च हो गया है दोस्तों, जिसे देखने के बाद लग रहा है पता कि भाई ये फिल्म पूरी की पूरी भरी हुई है एडवांस रिलेशनशिप और उनके होने वाली प्रॉब्लम से। अब ये फिल्म कैसी होगी वो तो देखने के बाद ही पता चलने वाला है। इस फिल्म को जो प्रोड्यूस किया है वो किया करण जौहर ने, यानी कि इस फिल्म को बनाया गया है धर्मा प्रोडक्शन के अंदर, और इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा 11 फरवरी 2022 को अमेजोन प्राइम पे, यानी कि डायरेक्ट ओटीटी पे आप इसे देख पाओगे दोस्तों। बात करें इनकी नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है सर्कस, जो कि कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है रोहित शेट्टी ने, और ये संजीव कुमार की फिल्म अंगूर का ही ऑफिशियली रीमेक होने वाला है, जिसे एडवांस लेवल पर बना रहे हैं रोहित शेट्टी, जिसके अंदर आपको लीड रोल में नजर आने वाले रणवीर सिंह, साथ में पूजा हेगड़े और जैकलीन फर्नांडिस और वरुण शर्मा दोस्तों। और आपको बता दें इस फिल्म की जो शूटिंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, जिसमें रणवीर सिंह का डबल रोल आपको देखने को मिलने वाला है, और इसी में आपको दिखाई देगी दीपिका पादुकोण एक कैमियो अपीयरेंस में, जो कि होंगी चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म की मीनप्पा, जी हाँ मीनप्पा के रूप में आपको इसमें दिखाई देने वाली है। आपको बताएं इस फिल्म को जो रिलीज किया जाना है वो 2022 के जुलाई में ही किया जाएगा दोस्तों। बात करें इनकी नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है पठान, जो कि एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्ट करे सिद्धार्थ आनंद, बैंग बैंग और वॉर जैसी धमाकेदार फिल्म तो बना ही चुके हैं सिद्धार्थ आनंद, तो अब पठान आ रही है SRK की, यानी कि शाहरुख खान, जॉनी इब्राहिम और दीपिका पादुकोण इसमें आपको दिखाई देने वाले, और इसी फिल्म के अंदर आपको सलमान खान का भी एक कैमियो अपीयरेंस दिखाई देगा, जो कि टाइगर के रूप में आपको दिखाई देंगे। आपको बताएं इस फिल्म की जो शूटिंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, बस इसके जो सॉन्ग बचे हैं वो ही शूट होने बाकी हैं दोस्तों, जो कि विदेशों में किए जाएंगे। इस फिल्म को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आदित्य चोपड़ा कर रहे हैं, यानी कि YRF के बैनर तले इस फिल्म को बनाया जा रहा है, जिस फिल्म को रिलीज किया जाना है 2022 की दिवाली या क्रिसमस के मौके पर दोस्तों। बात करेंगे इनकी नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है फाइटर, जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, और इस फिल्म के अंदर लीड रोल में आपको नजर आने वाले हैं ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, साथ ही साथ अनिल कपूर भी आपको इसमें दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म की जो शूटिंग है वो रोक दी गई है, क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर ऋतिक रोशन की फिल्म आ रही है विक्रम वेदा, उसी की शूट में लगे हुए हैं ऋतिक रोशन, और वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ आनंद पठान की शूटिंग में लगे हुए हैं, यानी कि दोनों ही बिजी हैं डायरेक्टर भी और हीरो भी दोस्तों। तो आपको बता दें इस फिल्म को जो रिलीज किया जाना था पहले सितंबर 2022 में किया जाना था, लेकिन अब विक्रम वेदा आ रही है 2022 में, जिस वजह से इस फिल्म को 2023 के लिए टाल दिया गया है, जिस फिल्म को बनाया जा रहा है YRF के बैनर तले ही दोस्तों। तो कौन कौन भाई बेसब्र है विक्रम वेदा के लिए कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ये तो आपको 2023 में देखने को मिल पाएगी। बात करेंगे इनकी नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है प्रोजेक्ट के, जो कि एक साइफा एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं नाग अश्विन, जिसके लीड रोल में आपको नजर आने वाले हैं प्रभास, साथ में आपको अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण तो है ही। जी हाँ दोस्तों, ये एक बिग बजट मूवी होने वाली है, जिसके अंदर भर भर के VFX लगाया जाएगा, क्योंकि इसका जो बजट है करीबन 500 करोड़ का है दोस्तों। और आपको बता दें इस फिल्म की जो शूटिंग है ना हाल फिलहाल के अंदर तो रोक दी गई है, जो कि रामोजी स्टूडियो हैदराबाद में चल रही थी कोरोना की वजह से, लेकिन जल्द दोबारा स्टार्ट होने वाली है। और जिस फिल्म को बनाया जा रहा है वैजयंती मूवी के बैनर तले, जो कि एक पैन वर्ल्ड मूवी होने वाली है, यानी कि पैन इंडिया नहीं पैन वर्ल्ड, जो कि भाई इंग्लिश और काफी सारी भाषाओं में रिलीज की जाएगी वर्ल्ड वाइड दोस्तों, जिसे रिलीज किया जाना है 2023 में। बात करेंगे इनकी नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है द इंटर्न, जो कि रीमेक होने वाला है 2015 में आई एक हॉलीवुड फिल्म जिसका नाम था द इंटर्न का। जी हाँ, जिसके अंदर आपको पहले ऋषि कपूर नजर आ रहे थे, लेकिन अब इसके अंदर अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण नजर आने वाले हैं। और इस फिल्म की जो कहानी होने वाली है कुछ इस प्रकार से होगी कि एक लड़की कर रही है इंटर्नशिप, उसकी लाइफ का डेली रूटीन उसी के अराउंड इस फिल्म की कहानी को दिखाया जाने वाला है, जिस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है दीपिका पादुकोण खुद ही। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म को जो रिलीज किया जाना है वो 2023 में किया जाएगा। बात करेंगे इनकी नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है रामायण 3D, जो कि एक हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा फिल्म होने वाली है, और ये फिल्म ना मधु मंटेना का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और आपको बता दें इस फिल्म की तैयारी 3 साल से चल रही है, जिसे डायरेक्ट करने वाले हैं रवि उदेगर और नितेश तिवारी। आप तो जानते हो कितने धमाकेदार डायरेक्टर हैं दोनों रवि उदेगर, जिन्होंने मॉम जैसी अवार्ड विनिंग फिल्म बनाई है, और वही नितेश तिवारी यार दंगल तो याद होगी। जी हाँ दोस्तों, धमाकेदार फिल्म बना चुके। आपको बता दें इस फिल्म के अंदर लीड रोल में आपको नजर आएंगे रणवीर कपूर, ऋतिक रोशन और साथ में दीपिका पादुकोण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें
फिल्म को बनाया जाएगा 3 पार्टों के अंदर और इस फिल्म का बजट होने वाला है करीबन 750 करोड़, क्योंकि इसी फिल्म के लिए रणवीर कपूर और ऋतिक रोशन को 75 करोड़ ऑफर किए गए हैं दोस्तों। और इस फिल्म को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मधु मंटेना, रवीत मल्होत्रा और अल्लू अरविंद यानी कि अल्लू अर्जुन के पिता कर रहे हैं, जो कि एक पैन वर्ल्ड मूवी होने वाली है जिसे रिलीज किया जाएगा 2023 में और इसका पहला पार्ट ही आप 2023 में देख पाओगे, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ ये 3 पार्ट में आ रही है। बात करेंगे इनकी नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है महाभारत, जो कि मधु मंटेना की माइथोवर्स की एक और फिल्म होने वाली है जिसके अंदर दीपिका पादुकोण आपको द्रौपदी का किरदार निभाती हुई नजर आने वाली है। और इस फिल्म को जो बनाया जा रहा है वो महाभारत के तौर पर तो बनाया जाएगा लेकिन इसका जो फोकस है वो डाला जाएगा द्रौपदी के ऊपर, उसकी जो सिचुएशन थी उन सारी चीजों को दिखाया जाने वाला है इस फिल्म के अंदर। और इसी फिल्म में दीपिका पादुकोण को मौका मिलने वाला है अपनी जबरदस्त एक्टिंग दिखाने का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म को जो रिलीज किया जाएगा वो 2023 में ही किया जाएगा। अब बात करने वाले हैं दीपिका पादुकोण की दो और बड़ी फिल्में जो ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं हुई है लेकिन ये आ जरूर रही है। तो पहली फिल्म है एक हॉलीवुड की एक अनटाइटल्ड रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म, आपको तो पता है XXX में तो आपने देखा ही होगा दीपिका पादुकोण कितनी धमाकेदार भाई एक्टिंग कर चुकी है और उसकी सफलता के बाद फिर से दीपिका पादुकोण हॉलीवुड जा रही है। जी हाँ दोस्तों, फिर से दीपिका पादुकोण एक्शन रोमांस करती हुई नजर आने वाली है और इस फिल्म को जो बनाया जाने वाला है वो बनाया जाने वाला STX फिल्म्स और टेंपल हिल्स प्रोडक्शन के बैनर तले दोस्तों, जिसे रिलीज किया जाएगा 2023 या 24 में, क्योंकि अभी चल रहा है कोरोना जिस वजह से काफी फिल्में डिले हो रही और ये फिल्म तो आपको पता है हॉलीवुड की जिसके लिए दीपिका को बाहर जाना पड़ेगा, तो उसी वजह से इस फिल्म की जो रिलीज डेट है वो अभी कंफर्म नहीं हो पाई है। बात करेंगे इनकी नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है हाउसफुल 5, जो कि कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे फराद सामजी। और हाउसफुल की 4 की सक्सेस के बाद ही इस फिल्म का अनाउंसमेंट कर दिया गया था फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला ने और उन्होंने ये कहा था कि हाउसफुल 5 के अंदर मेरी जितनी भी फिल्में अभी तक आई हैं यानी कि हाउसफुल 1, 2, 3 और 4 तक, उन सब की जो कास्ट है वो आपको दिखाई देने वाली है, यानी कि सारे को एक्टर एंड एक्ट्रेस आपको दिखाई देंगे, यानी कि दीपिका पादुकोण, कीर्ति सनन, कीर्ति खरबंदा, पूजा हेगड़े, श्रुति हसन, जैकलिन फर्नांडिस। और आपको बताऊं इसी फिल्म के अंदर आपको अक्षय कुमार, बॉबी देओल, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन और जॉनी ब्राइम भी दिखाई दे सकते हैं और इस फिल्म का जो रिलीज किया जाना है वो 2024 में ही किया जाएगा। तो यही थी दीपिका पादुकोण की आने वाली 10 बड़ी फिल्में और इनमें से कौन सी फिल्म का आपको बेसब्री से इंतजार है कमेंट में जरूर बताएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर आपको किसी डायरेक्टर या किसी एक्टर एक्ट्रेस की लिस्ट चाहिए फिल्मों की तो कमेंट जरूर करें, हम आपके लिए हाजिर हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय यार।